हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस केम क्लासेस। माय सेल्फ देवेंद कुमार। आज हम बात करेंगे साइंस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के बेसिस पे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय, कि बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन लिनियस ने, फॉस्टर ने, रॉबर्ट कोस ने, ल्यूमेन हुक ने। तो बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं ल्यूमेन हुक, जिनका पूरा नाम है एंटोनियन ल्यूमेन हुक। इनका पूरा नाम है एंटोनियन ल्यूमेन हुक। इन्होंने डिस्कवर किया था इन 1683 में। सीवेज वाटर से डिस्कवर किया था इन्होंने। तब इसका नाम रखा था एनिमल क्यूल, एनिमल क्यूल नाम रखा था। बाद में इसका नाम बैक्टीरियम पड़ा, जो इसका बैक्टीरियम नाम रखने वाले साइंटिस्ट हैं ईरेनबर्ग। बाद में ईरेनबर्ग ने 1829 में इस ल्यूमे एनिमल क्यूल्स को बैक्टीरियम नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज, यानी कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरियोलॉजी, सेकेंड है माइकोलॉजी, थर्ड है वायरोलॉजी, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी एंड नन ऑफ दीज। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। और इस बैक्टीरियोलॉजी के जो जनक हैं वो भी हैं एंटोनियन ल्यूमेन हुक। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ वायरस कॉल्ड वायरोलॉजी। और माइकोलॉजी से रिलेटेड होती है स्टडी ऑफ फंगस, फंगस रिलेटेड स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट बैक्टीरियम नोन एज, यानी कि सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा है? स्पाइरलम वायलुटेंट्स, इप्लोपाइसिकम, पाइसियम, फिसलसोनी और डायलेस्टर। स्पाइरलम वायलुटेंट्स, सेकेंड ऑप्शन है डायलेस्टर, थर्ड है इप्लोपाइसियम, फिसलसोनी। तो ऑप्शन सही है इसका सी नंबर। ये सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया है और डायलेस्टर इज द स्मॉलेस्ट। ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आर ऑफ, यानी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये सेल वॉल होती है, किसकी बनी हुई होती है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन रिस्पेक्टिवली, सेकेंड है लाइपोप्रोटीन एंड म्यूरेमिक एसिड रिस्पेक्टिवली, थर्ड ऑप्शन है लिपोप्रोटीन एंड टिकोइक एसिड रिस्पेक्टिवली, फोर्थ ऑप्शन है टिकोइक एसिड एंड लाइपोप्रोटीन रिस्पेक्टिवली। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जो सेल वॉल की जो आउटर लेयर है वो बनाती है ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, टिकोइक एसिड एंड लाइपो पॉलीसेक्राइड रिस्पेक्टिवली। टिकोइक एसिड और लाइपो पॉलीसेक्राइड की ये बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ग्रुप ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट एट वन एंड ओनली बैक्टीरिया इज कॉल्ड, अगर ग्रुप ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया के सिर्फ एक ही एंड पे प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एम्फीट्राइकस, सेकेंड है पेरीट्राइकस, फोर्थ है थर्ड ऑप्शन है लोफोट्राइकस और लास्ट फोर्थ ऑप्शन है मोनोट्राइकस।
तो ग्रुप ऑफ फिजिला अगर एक ही इंड में बैक्टीरिया के एक इंड पे की ओर प्रेजेंट हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एम्फीट्राइकस, पेरिट्राइकस, लोफोट्राइकस और मोनोट्राइकस। इसका जो राइट आंसर है वो है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है कि जो ग्रुप का फिजिला ग्रुप होता है वो केवल एक ही एंड पे प्रेजेंट होता है। और एम्फीट्राइकस में क्या होता है? एम्फीट्राइकस में क्या होता है कि जो ग्रुप फिजिला होता है, फिजिला ग्रुप ऑफ फिजिला सिंगल या ग्रुप के फॉर्म में, सिंगल हो या ग्रुप के फॉर्म में हो लेकिन बैक्टीरिया के दोनों एंड पे प्रेजेंट हो। एम्फीट्राइकस में क्या होता है कि वन सिंगल या ग्रुप ऑफ फिजिला इज प्रेजेंट एट बोथ एंड, सिंगल या ग्रुप ऑफ फिजिला इज प्रेजेंट एट बोथ एंड, एम्फीट्राइकस होगा। और लोफोट्राइकस में क्या है कि जो फिजिला का ग्रुप है प्रेजेंट हो वन एंड ओनली, केवल एक ही एंड पे फिजिला का ग्रुप प्रेजेंट हो तब कहलाएगा लोफोट्राइकस। पेरिट्राइकस में क्या होता है कि जो फिजिला है ये बैक्टीरिया के सरफेस में, यानी सरफेस के ओर ऑल ओवर द सरफेस पर प्रेजेंट हो, यानी कि चारों ओवर प्रेजेंट हो तब पेरिट्राइकस होता है। और मोनोट्राइकस में क्या होता है? सिंगल फिजिला का सेट वन एंड ओनली, अगर केवल एक ही सिंगल फिजिला निकल रहा है एक एंड पे तब वो कहलाता है मोनोट्राइकस फिजिला। एक और प्रकार का होता है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस फिजिला सिंगल हो या ग्रुप के फॉर्म में लेकिन दोनों साइड में प्रेजेंट हो। लोफोट्राइकस ग्रुप के फॉर्म में फिजिला होना चाहिए और केवल एक एंड में प्रेजेंट होना चाहिए। पेरिट्राइकस सरफेस के चारों ओर प्रेजेंट होना चाहिए। मोनोट्राइकस सिर्फ ही सिंगल फिजिला और एक एंड पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो इनके अलावा एक और होता है ए ट्राइकस, ये का इसमें और एक फिजिला होता है ए ट्राइकस होता है। ए ट्राइकस में क्या होता है कि फिजिला अब्सेंट होता है। ए ट्राइकस एंड फिजिला आर अब्सेंट, का हो अब्सेंट। अगर एग्जांपल की बात करें तो एम्फीट्राइकस में आ जाएगा नाइट्रोसोमोनास। एम्फीट्राइकस में आ जाएगा नाइट्रोसोमोनास आ जाएगा। और लोफोट्राइकस में, आएगा स्पाइरुलम, स्पाइरुलम आ जाएगा। पेरिट्राइकस की बात करें और पेरिट्राइकस में बात करें तो एग्जांपल इसका आ जाएगा ई कोलाई आ जाएगा, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस के एग्जांपल करें तो जेंथोमोनास सिट्री का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल होता है, ए ट्राइकस, और ए ट्राइकस के एग्जांपल में बात करें तो आ जाएगा लैक्टोबैसिलस, LACTO LACTOBACILLUS, यहाँ पे लैक्टोबैसिलस इसका ए ट्राइकस का एग्जांपल हो जाएगा। ये क्लासिफिकेशन भी होता है कि फिजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया को डिफाइन कीजिए, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि फिजिला प्रेजेंट है तो उसे क्या कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल ऑफ बैक्टीरिया कंटेन। फर्स्ट ऑप्शन है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, म्यूरेमिक एसिड, डाई अमीनो पाइमिलिक एसिड, ऑल ऑफ दीज। तो बैक्टीरिया की सेल में क्या क्या पाया जाता है? म्यूरेमिक एसिड भी पाया जाता है, एनेस्टाइल ग्लूकोसामीन भी पाया जाता है, डाई अमीनो पाइमिलिक एसिड भी पाया जाता है। यह राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म प्लाज्मिड वॉज गिवेन बाई, द प्लाज्मिड का टर्म किसने दिया था? टर्म प्लाज्मिड वॉज गिवेन बाई बीडल, लीडरवर्ग, कोस एंड जिंडर। प्लाज्मिड वर्ड सबसे पहले देने वाले हैं लीडर बर्ग साहब ने दिया था, इन्होंने ये टर्म दिया था 1952 में लीडर बर्ग ने प्लाज्मिड कहा था। प्लाज्मिड होते क्या हैं? ये प्लाज्मिड जो होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल,
ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑफ जीनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया सेल इज कॉल्ड प्लाज्मिड। इसके बारे में सबसे पहले बताएंगे साइंटिस्ट लीडरबर्ग, जिन्होंने 1952 में इसको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें एब्सेंट होता है, किसमें नहीं पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया में, सेकेंड है यूकेरियोट में, थर्ड है बैक्टीरिया में और फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है किसमें, हमें साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होता है। विच इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, मीजोसोम, फर्स्ट ऑप्शन मीजोसोम, सेकेंड न्यूक्लियस, थर्ड कैप्सूल और डी फ्लैजेला। फ्लैजेला पे आ जाता है, इसी बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन भी होता है। तो इसमें मीजोसोम, कैप्सूल्स और न्यूक्लियस, मीजोसोम भी पाया जाता है इसमें, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी भी नहीं पाई जाती, गोल्जी बॉडी भी नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सोटॉक्सिन रिलीज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस, जो एक्सोटॉक्सिन या टॉक्सिक सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज होता है वो काज करता है। तो बॉटुलिज्म, डिप्थीरिया, टेटनेस, ऑल ऑफ दीज, एक ये डिजीज के नाम है। कौन सी डिजीज उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्सोटॉक्सिन टॉक्सिन सब्सटेंस के रिलीज करने पे काज होती है। तो बॉटुलिज्म भी काज होता है, डिप्थीरिया भी काज होती है, टेटनेस भी काज होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सभी के द्वारा ये काज होने वाला, हाँ, टॉक्सिन से काज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिलाई इन बैक्टीरिया रिप्रेजेंट, जो बैक्टीरिया में पिलाई पाई जाती है क्या रिप्रेजेंट करती हैं। स्मॉल फ्लैजेला, स्पेशल बैक्टीरियल सीलिया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनेटिक मटेरियल और डी है सेल मेम्ब्रेन आउट ग्रोथ ऑफ डोनर सेल। तो जो पिलाई बैक्टीरिया में रिप्रेजेंट करती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, सेल मेम्ब्रेन आउट ग्रोथ ऑफ डोनर सेल। सही ऑप्शन इसका है डी ऑप्शन है, सेल मेम्ब्रेन आउट ग्रोथ ऑफ डोनर सेल को ये पिलाई रिप्रेजेंट करती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन आउट ग्रोथ ऑफ डोनर सेल, और ये इनका वर्क क्या होता है, ये अटैचमेंट का वर्क करती हैं फ्रॉम अदर सेल्स से या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द निमोनिया इज कॉज्ड बाय, यानी कि निमोनिया डिजीज है होती है, ये किससे काज होती है, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, साइनोबैक्टीरिया के द्वारा या कोल्ड यानी कि ठंडक में। तो निमोनिया डिजीज इज कॉज्ड बाय, निमोनिया किसके द्वारा काज होती है। इसका राइट ऑप्शन जाएगा, राइट ऑप्शन है इसका बैक्टीरिया के द्वारा। तो निमोनिया डिजीज काज होती है बैक्टीरिया के द्वारा, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, डिप्लोकोकस निमोनिया के नाम से जाना जाता है, डिप्लोकोकस निमोनिया के नाम से, डिप्लोकोकस निमोनिया के नाम से जाना जाता है, जो डिजीज काज करता है निमोनिया डिजीज, डिप्लोकोकस निमोनिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ट्रू फॉर आर्किबैक्टीरिया, इसमें से आर्किबैक्टीरिया के बारे में कौन सा लाइन सही है। ऑल हैलोफिल्स होते हैं, ऑल फॉसिल ऑर्गेनिज्म है, ऑल फोटोसिंथेटिक्स हैं, या ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग है। तो व्हाट इज ट्रू फॉर आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया के में से कौन सा कथन सही है, सभी होलोफिल्स हैं, ऑल फॉसिल्स फॉर्म में हैं, या ऑल फोटोसिंथेसिस हैं, या ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग है। तो 13 का जो, तो इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो क्या है, राइट ऑप्शन ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग, पुरानी जीवित ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज ट्रू फॉर आर्किबैक्टीरिया, तो आर्किबैक्टीरिया क्या होते हैं, ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग होते हैं, यानी कि पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज, व्हिच इज द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज, इनमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, एड्स, लेप्रोसी,
एस्केरियासिस एंड पोलियो। तो राइट आंसर क्या है इसका, वह है लेप्रोसी। लेप्रोसी डिजीज जो है बैक्टीरिया के द्वारा काज होती है। किस बैक्टीरिया के द्वारा काज होती है, तो मेरा नाम है माइकोबैक्टीरियम लिप्रे। तो लेप्रोसी काज होती है माइकोबैक्टीरियम लिप्रे से, नमक बैक्टीरिया से काज होती है। और अदर डिजीज जो है जैसे एड्स है, तो एच आई वी वायरस के द्वारा काज होता था, वायरल डिजीज है। पोलियो भी वायरल डिजीज है, एस्केरियासिस एस्केरिस के द्वारा काज होती है। तो ये एच आई वी वायरस डिजीज हुई, ये एस्केरियासिस डिजीज हुई, ये पोलियो पोलियो वायरस डिजीज हुई। तो लेप्रोसी जो है ये माइकोबैक्टीरियम लिप्रे द्वारा काज होती है। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके साइंटिस्ट जो डिस्कवर करने वाले थे वो भी हैंसन नाम से जाने जाते हैं। तो लेप्रोसी को उनके साइंटिस्ट के डिस्कवर के नाम पर भी हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। क्लास्ट्रिडियम, फर्स्ट ऑप्शन क्लास्ट्रिडियम, बी नाइट्रोसोकोकस, सी एजोटोबैक्टर और डी ए बैसिलस रेमोसिस। इसमें से अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं, तो राइट ऑप्शन है अमोनिया अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है बैसिलस रेमोसिस। बैसिलस रेमोसिस है ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड इज, प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, बोथ ए एंड बी और लास्ट इन द नाफ द एबव। तो प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, बोथ ए एंड बी और लास्ट ऑप्शन द नाफ द एबव। हमने आगे ऊपर पढ़ रखा था कि प्लाज्मिड आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो ऑप्शन इसका क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ए ऑप्शन है इसका, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्म इज, माइकोप्लाज्म क्या है। फर्स्ट ऑप्शन यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बी यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर, थर्ड सी है प्रोक्रियाटिक एंड यूनिसेलुलर और डी है प्रोक्रियाटिक एंड मल्टी सेलुलर। तो माइक्रोप्लाज्म क्या है, माइक्रोप्लाज्म जो होते हैं ये प्रोक्रियाटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोक्रियाटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो माइक्रोप्लाज्म प्रोक्रियाटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसको डिस्कवर करने वाले थे, इसको डिस्कवर किया था लुइस पाश्चर ने, लुइस पाश्चर ने माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया था। इन्होंने इसको नाम दिया था PPLO, इसका फुल नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन, या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया। फर्स्ट ऑप्शन डिप्लोकोकस निमोनिया पे, सेकंड सालमोनेला टाइफी पे और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ईकोलाई में और फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो ए डिप्लोकोकस निमोनिया, बी ईकोलाई, सी सालमोनेला टाइफी पे और डी ऑल ऑफ द एबव। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस किस पर की गई थी, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन डिप्लोकोकस निमोनिया, ईकोलाई, सालमोनेला टाइफी और एबव। इसका राइट आंसर है डिप्लोकोकस निमोनिया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो डिप्लोकोकस निमोनिया पर सबसे पहले की गई। किसने किया था, तो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले करने वाले डिप्लोकोकस निमोनिया पे हैं, ग्रिफ्थ ने इस प्रोसेस को समझाया था, ग्रिफ्थ ने डिप्लोकोकस निमोनिया पर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस की थी। साल्मोनेला टाइफी पर जो प्रोसेस की गई वो है ट्रांसडक्शन की प्रोसेस साल्मोनेला टाइफी पर किया गया। ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को देने वाले साइंटिस्ट हैं, ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को दिया था
जिंडर और लीडरबर्ग ने ट्रांसडक्शन की प्रोसेस जिंडर एंड लीडरबर्ग ने साल्मोनेला टाइफी पे ट्रांसडक्शन की प्रोसेस की थी इन 1952 में 1922 में। कंजुगेशन की प्रोसेस, तीन प्रकार की प्रोसेस होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और थर्ड होती है कंजुगेशन। कंजुगेशन की प्रोसेस ई कोलाई था, एस्केरिचिया कोलाई पर किया गया था। ये देने वाले सैंडविच हैं लीडरबर्ग एंड टैटम जी ने दी थी। और कब दिया था इन्होंने इस प्रोसेस को 1946 में बताया था कि ई कोलाई में कंजुगेशन की प्रोसेस लीडरबर्ग एंड टैटम ने 1946 में दी थी। और गिफ्ट ने अपना एस्टिमेट किया था 1928 में। जिंडर और लीडरबर्ग ने 1952 यानी कि 1952 में प्रोसेस की थी ट्रांसडक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इज तो फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए बाउंड विद प्रोटीन, सेकंड है डीएनए नॉट बाउंड विद प्रोटीन, और थर्ड है आरएनए बाउंड विद प्रोटीन, फोर्थ है आरएनए नॉट बाउंड विद प्रोटीन। तो ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में किस प्रकार का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए बाउंड विद प्रोटीन, सेकंड है डीएनए नॉट बाउंड विद प्रोटीन, थर्ड है आरएनए बाउंड विद प्रोटीन और फोर्थ है आरएनए नॉट बाउंड विद प्रोटीन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डीएनए नॉट बाउंड विद प्रोटीन। डीएनए पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाती है लेकिन बाउंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में मैन्युफैक्चर द फूड मटेरियल, फर्स्ट ऑप्शन है नॉनस्टॉक, सेकेंड वायरस, सी माइकोप्लाज्मा और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें फूड मटेरियल के मैन्युफैक्चर में कौन सा यूज किया जाता है? तो यूज किया जाता है नॉन स्टॉक, अर्थात ई ऑप्शन सही होगा। ई नॉन स्टॉक का यूज मैन्युफैक्चर ऑफ फूड मटेरियल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक वायरस का क्वेश्चन, टोबैको मोज़ेक वायरस इज ए ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज, यहाँ पर एक वायरस का क्वेश्चन आ गया, बाकी सारे तो बैक्टीरिया के क्वेश्चन थे। देख लेते हैं कि टोबैको मोज़ेक वायरस इज ए ट्यूबुलर, फर्स्ट ए ऑप्शन है 300 × 5 cm, बी ए 300 × 20 nm, सी ए 700 × 730 नैनोमीटर और डी ऑप्शन 300 × 10 nm। तो कितना साइज उसका होता है? तो जो फिलामेंट का इसकी साइज होता है 300 × 20 nm साइज का होता है। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम वायरस के क्वेश्चन में देख लेंगे, क्योंकि वायरस होता है टीएमबी, फर्स्ट आइसोलेटेड वायरस होता है टीएमबी वायरस, और ये डिजीज काज करता है टोबैको पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैक्टीरिया फ्लैजेलम इज मेड अप ऑफ, जो बैक्टीरिया का फिलामेंट होता है फ्लैजेलम होता है किसका बना हुआ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड है एमीन्स एमाइन, सी है लिपिड्स और डी है कार्बोहाइड्रेट। तो बैक्टीरिया का फ्लैजेलम किसका बना हुआ होता है? तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजेलम है ये बना हुआ होता है प्रोटीन का। तो बैक्टीरिया का फ्लैजेलम मेड अप ऑफ होता है प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसफर्ड बाय वायरस बाय द प्रोसेस ऑफ, जो जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसफर्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है ये ट्रांसफर होता है वायरस के द्वारा बाय द प्रोसेस, यानी कि किस प्रोसेस में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने किस प्रोसेस में वायरस का यूज होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन, सी ट्रांसडक्शन और डी ट्रांसलेशन। तो किस प्रोसेस में वायरस का यूज होता है? तो वायरस यूज होता है इन
ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में, ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में, और ट्रांसडक्शन के प्रोसेस को देने वाले साइंटिस्ट हैं जिंडर और लीडर बर्ग ने दिया था। जिंडर लीडर बर्ग ने 1952 में दिया था। इसमें बैक्टीरियो फेज वायरस का यूज़ किया जाता है, बैक्टीरियो फेज वायरस का यूज करते हैं, बैक्टीरियो फेजेस वायरस का यूज किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए जेनेटिक मटेरियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स इन बैक्टीरिया इज, साइट ऑफ रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स इन बैक्टीरिया इज, तो रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेशन बैक्टीरिया में किसके द्वारा होता है? एपिसोम के द्वारा, राइबोसोम के द्वारा, मीजोसोम के द्वारा और माइक्रोसोम के द्वारा। तो किसके द्वारा ऑप्शन होगा? मीजोसोम के द्वारा बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिट्रस कैंकर इज कास्ट बाय, सिट्रस कैंकर इज कास्ट बाय, ऑप्शन है जैंथोमोनास ओराइज़ा, जैंथोमोनास सिट्री, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस और स्यूडोमोनास सोलेनासेरियम। तो ये वायरस के द्वारा काज होने वाली डिजीज है, सॉरी बैक्टीरिया के द्वारा काज होने डिजीज है, लेकिन ये काज होती है प्लांट्स में। किसमें काज होगी? ये प्लांट्स में काज होने वाली डिजीज है। तो इसका कास्टिविजन कौन सा? ये है जैंथोमोनास सिट्री। सिट्रस कैंकर डिजीज इज कास्ट बाई जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा काज होती है। सिट्रस कैंकर जो होते हैं जैंथोमोनास सिट्री द्वारा काज होते हैं, लेकिन जैंथोमोनास ओराइज़ा भी डिजीज काज करता है, जैंथोमोनास ओराइज़ा डिजीज काज करता है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, ये काज करता है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी डिजीज। जैंथोमोनास ओराइज़ा बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी काज करता है। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज में डिजीज, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज डिजीज काज करता है। और स्यूडोमोनास सोलेनासेरियम ये काज करता है सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो नामक डिजीज काज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैसिलस एंथ्रेसिस इज काजेस द डिजीज, बैसिलस एंथ्रेसिस कौन सी डिजीज काज करता है? फर्स्ट ऑप्शन एंथ्रेक्स, बी टेटनस, सी लेप्रोसी एंड फोर्थ डिप्थीरिया। तो बैसिलस एंथ्रेसिस इज काज डिजीज, कौन सी डिजीज काज करता है? ये काज करता है एंथ्रेक्स में, एंथ्रेक्स डिजीज काज करता है। और ये डिजीज होती किस में? ये होती है एनिमल में डिजीज काज करती है, ये होती है एनिमल में डिजीज। लेप्रोसी भी काज होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा, देख लिया ह्यूमन डिजीज है। टेटनस काज होता है टेटनस टॉक्सॉइड, टेटनस टॉक्सॉइड क्या होता है जो टेटनस को टेटनस टॉक्सॉइड भी कहा जाता है, ये काज करता है क्लास्ट्रिडियम टिटैनी नामक बैक्टीरिया से काज होती है। टेटनस को लैग्जा के नाम से भी जाना जाता है। और डिप्थीरिया, ये भी डिप्थीरिया डिजीज, डिप्थीरिया डिजीज काज होती है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया से काज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिफेलिस डिजीज कास्ट बाई, सिफेलिस डिजीज किसके द्वारा होती है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिपैनो, ट्रिपोनीमा पैलिडम, सेकेंड है पास्टोरेला पेस्टिस, थर्ड है विब्रियो कॉलरी और डी ऑप्शन निज़ेरिया गोनोरिया। तो सिफेलिस डिजीज किसके द्वारा होती है? सिफेलिस डिजीज होती है ट्रिपोनीमा पैलिडम के द्वारा, ट्रिपोनीमा पैलिडम नाम बैक्टीरिया से काज होती है जो कि ह्यूमन डिजीज है। विब्रियो कॉलरी भी डिजीज काज करता है, विब्रियो कॉलरी भी डिजीज करता है, कॉलरा डिजीज काज होती है, कॉलरा डिजीज काज होती है। पास्टोरेला पेस्टिस प्लेग डिजीज काज करता है, प्लेग डिजीज काज करता है। नाइजीरिया यानी कि नाइजीरिया गोनोरिया, ये गोनोरिया डिजीज काज करता है, गोनोरिया डिजीज काज करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जेएसकेएम क्लासेस, थैंक यू।